नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। मैं हूं जिला विरोधी वीरेंद्र कुमार। आज वार्ड संख्या 24 नगर परिषद झाझा की रबनम खातून से हमारी मुलाकात हुई। जैसे कि आप जानते हैं, वार्ड संख्या 24 में बहुत सारी समस्याएं, सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो नाली की समस्या है। हमने कई बार खबर चलाने का भी प्रयास किया था, वो नालियाँ आज भी अपनी किस्मत पर रो रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो बशीर इनके पति हैं ये रबनम खातून ने उस नाली की समस्या से वार्ड संख्या 24 की जनता को कब तक राहत दे पाते हैं। जिस तरह विकास के कई कार्य अभी भी अधूरे हैं, हम तमाम प्रत्याशियों से अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि तमाम जनता की समस्याओं को यथास्थिर निष्पादन करें। जो बोर्ड की बैठक हो, कहीं न कहीं उसमें निर्णय हो कि झाझा की सड़कों का हाल जो अपनी किस्मत पर रो रही है वो सड़कें, उन सड़कों की भी मरम्मत हो, तमाम जनता को हर तरह की सुख सुविधाएं जो मिलनी चाहिए वो तमाम सुख सुविधाएं मिले। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हमारे साथ रबनम खातून जुड़ रहे हैं जो वार्ड संख्या 24 से निर्वाचित हुई हैं। मैडम, क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ प्लानिंग है आपका, क्या कहेंगे आम जनता को? नजात नापाक, हम सिर्फ करेंगे जनता का विकास। बहुत अच्छी बात है मैडम। जिस तरह आपके यहाँ नल जल की सबसे ज़्यादा समस्या है, या फिर कई गरीब ऐसे लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास नहीं है, तो क्या होगा उन लोगों के लिए? हम सब कुछ सारा काम करेंगे। अच्छा, जिसको जो नहीं हुआ है इतने सालों में, हम वो सब कुछ करेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है आपको? आप जी पिछले बार भी थोड़ा मत अंतर से हार गई थी, तो इस बार दिल में विश्वास था कि आप जीतेंगी? हाँ, बिल्कुल ही विश्वास था। हमारी जनता का विश्वास प्यार, जिसकी वजह से हम आज यहाँ तक पहुँचे। पहला काम क्या होगा मैडम आपका? पहला काम नल जल योजना और रोड, जितना भी यहाँ पर अंदर में जो नाला है वो सब बनाया जाएगा। सबसे पहला काम वो करेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छी बात मैडम, थैंक यू। अब बशीर, किस वार्ड संख्या से आपकी वाइफ को निर्वाचन मिला है? 24 नंबर। क्या नाम है उनका? रबनम खातून। क्या कुछ लग रहा था, कितना आप आसान भी थे जीत के प्रति, ये बताइए। बहुत खुश है। ये कितना प्रयास था आपका? दूसरी बार है। हाँ। पिछले बार भी थोड़ा सा कम ही रह गया था मेहनत में। अच्छा, सबसे पहले बताइए, अगर आपने जीत दर्ज कर ली है तो क्या पहला काम करेंगे आप? पहला काम करेंगे जो अगला जो कैंडिडेट जो 15 साल से जो जीते हुए हैं, वो गली का नाला जो बहुत स्थिति खराब है, सबसे पहला काम वहाँ करूँगा। अच्छा, जो वहाँ जो पानी जम जाता है? पानी जम जाता है। अच्छा, मछली ऊपर रहती है। अच्छा, मछली जिसमें तैर दी। अच्छा, सबसे पहला काम वहाँ करेंगे। अच्छा, आज 24 नंबर वासियों का छोटा बड़ा सबको सलाम आ रहा है, अदब मेरी तरफ से। अच्छा, कई ऐसे घर होंगे जहाँ राशन कार्ड नहीं होगा, तो क्या कुछ लगता है वो तो सबसे पहले हम करेंगे। प्रधानमंत्री आवास भी नहीं होगा, करेंगे नल जल योजना भी, पानी का बहुत दिक्कत भी है, उनका भी पूरा करेंगे। जी जी जी, मैंने सारी योजना पानी जो चालू जुम्मा के दिन जो बहुत से मुसलमानों के जो पानी 1 बजे तक मिलना चाहिए, वो 10 बजे तक, 8 बजे चालू होता है, 10 बजे तक बंद हो जाता है। अच्छा, कोशिश करेंगे वो 1 बजे तक पानी मिले। पानी 1 बजे तक कम से कम चले। अच्छा, जिस तरह से आपको कितने जातियों का वोट मिला, क्योंकि जात पात तो खूब, जात पात ना, सब मिल के दिया, सब मिल के वोट दिया, सब पूरा। तो जिस तरह आपने अभी कहा कि मगर जुम्मा को हम 1 बजे तक पानी देंगे, कैसे हिंदू का पर्व रहेगा तो उसके यहाँ भी उनको भी पानी देंगे, पूरा सबको मिलाकर चलेंगे, मिलाकर चलेंगे। प्रोफेसर साहब जुड़े हैं, साहब जिस तरह से आज ये लड़का संघर्ष करते हुए जीत दर्ज की है इनके वाइफ ने, तो क्या कुछ कहेंगे आप, क्या शुभकामना देंगे आप? हम इस मौके पर तो सबसे पहले वार्ड नंबर 24 की तमाम मतदाताओं को मुबारकबाद देते हैं, और दूसरी बात कि जो ये जीती हैं इन्हें हम कामयाबी की दुआ देते हैं कि वो अपने जिस मकसद के तहत इलेक्शन लड़ी हैं वो अपने मकसद में पूरा हो और गरीबों की आवाज़ बने, दुख दर्द का साथ दें, ज़रूरतमंदों की जो ज़रूरत है उसको पूरा करें। दात पात और इस तरह की कोई इलाकाइयत वाली बात इनके जहन में नहीं आना चाहिए। सबका विकास सबका साथ, ये इनका नारा होना चाहिए। और अभी बशीर ने भी कहा है कि जो काम होगा वो जन समूह के मशवरा से होगा, मशावरत कमेटी बनेगी, और जो फैसला लिया जाएगा वो तमाम आवाम की भलाई के लिए फैसला लिया जाएगा। मुन्ना, जिस तरह से आज बशीर की वाइफ को जीत दर्ज मिली है, कितना कुछ लग रहा है, कितना आसान भी था आप लोग हैं कि विकास की जो रोशनी है आपके वार्ड में पूरी तरह फैलेगी? जी बिल्कुल, यही उम्मीद के साथ तमाम जनता 24 नंबर वार्ड का खुल के वोट किया है सर इस बार, और यही उम्मीद है कि जो कमी है, जो 15 साल कमी रह गया उसको पूरा करने की कोशिश करें। था
कि खुदा को है अगर मंजूर तो आंधियों में चिराग जलते हैं, और वो चिराग जला दिया। बताइए कैसा लग रहा है आपको? हमको ठीक लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उम्मीद थी कि ये जीतेंगे? उम्मीद बहुत बहुत उम्मीद था हमारा, सर जीत गया है। क्या नाम है आपका? मक्कमाल। क्या कुछ लग रहा है, क्या कुछ आशा है इनसे? बहुत कुछ आशा है। सरकार की सारी योजनाएं जमीन पर उतारने का ये प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल यादव नाम है। अनिल यादव, क्या कुछ लग रहा है आज बशीर की वाइफ जीती हैं तो? हम लोग बहुत खुशी में हैं। बहुत खुश में हैं। राशन कार्ड वगैरह बना हुआ आपका? बनाएगा बशीर भाई। अच्छा बनाएगा। तमाम समर्थक हैं बशीर का, तमाम लोग आज जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जिस तरह मैंने सुबह खबर दिखाने का प्रयास किया था।